पिनेकल स्टूडियो 21 का सॉफ्टवेयर जैसे ही आप ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर में तीन मेन टैब दिखाई देते हैं, इंपोर्ट, एडिट और एक्सपोर्ट। एडिटिंग के लिए हम एडिट टैब को क्लिक करते हैं। लेफ्ट टॉप साइड में आपको दो टैब दिख रहे हैं, लाइब्रेरी और एडिटर। लाइब्रेरी टैब पर क्लिक करें। उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपको विभिन्न आइकॉन दिख रहे हैं, जो क्रमशः प्रोजेक्ट बिन, प्रोजेक्ट, कलेक्शन, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, म्यूजिक, टाइटल, मॉन्टेज थीम, साउंड आदि। हमें पहले सबसे पहला जो आइकॉन है प्रोजेक्ट बिन, उस पर क्लिक करना है। पूरी शादी की क्लिप्स को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट टैब पर क्लिक करें। यहां पर आपको 6 अलग अलग टैब दिखाई देंगे, डीवीडी, ब्लूरे, माय कंप्यूटर, स्कैन फॉर असेट्स, स्टॉप मोशन, स्नैपशॉट और मल्टी कैम कैप्चर। अब हम माय कंप्यूटर टैब पर क्लिक करेंगे। यहां आपको माय कंप्यूटर में के नीचे इसकी सारी ड्राइव दिखेंगी। आपने जिस ड्राइव में अपनी MTS फाइल रखी है उसे क्लिक करें और इस प्रकार दाहिनी ओर आपको सारी क्लिप्स दिखने लगेंगी। आपकी क्लिप्स का प्रीव्यू आने में कुछ वक्त लगेगा। जब आपकी सारी क्लिप्स आ जावें तो नीचे से चेक ऑल पर क्लिक करें। इसके बाद बाईं ओर आपको मोड के अंदर तीन सेटिंग्स दिखेंगी। पहला इंपोर्ट मोड, यहां पर हम लिंक को क्लिक करेंगे। डिलीट ओरिजिनल, यहां पर नो को सिलेक्ट रखेंगे। इग्नोर डुप्लीकेट्स, यहां पर भी हम नो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इंपोर्ट टू टैब में माई बिन्स दिखाई देंगी, जिनमें आपको माई बिन्स के सामने बने आइकॉन पर क्लिक कर जिसकी शादी का वीडियो है उसके नाम की रैक बना लें और उसे सेलेक्ट कर नीचे स्टार्ट इंपोर्ट को क्लिक करें। कुछ समय में पूरी क्लिप्स आपकी रैक में आ जाएंगी। तत्पश्चात एडिट टैब को आगे की एडिटिंग के लिए क्लिक करें।